वीडियो को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल टेकोविल्स को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ रिव्यू वीडियो ऑफ माई टाइटेनियम इको स्पोर्ट एस मॉडल की। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट ग्रिल की, यह ब्लैक फिनिश में आता है, साथ ही साथ ये फोर्ड का बैजिंग। अब हम चलते हैं साइड में, ये रहे हेडलाइट में, ये रहे DRL इसके, ये रहा आपका HID लाइट, और इसमें आता है ब्लैक इंसर्ट, ये देखिए, और साथ ही साथ ये पूरे ब्लैक इंसर्ट के साथ ये रहे आपके फॉग लैंप, ये रहे इंडिकेटर। हम साइड की बात करें तो ये अलॉय व्हील्स हैं जो कि एस मॉडल में आते हैं, साथ ही साथ ये रहा इंडिकेटर, और ये कैपेसिटिव टच के साथ एक ग्रैब हैंडल। इधर ग्रैब किया, अनलॉक हो गया, ये देखिए आपने, और इधर मैंने प्रेस किया, लॉक हो गया। अब हम चले पीछे की तरफ, तो ये रहा इसका फ्यूल लिड जो कि आता है 52 लीटर्स का, ये टेल लैम्प, साथ ही साथ इको स्पोर्ट फोर्ड की बैजिंग, ये इको स्पोर्ट की शान, आपका एक्स्ट्रा अलॉय व्हील जो कि टेल गेट पे माउंटेड है, टाइटेनियम एस की बैजिंग, DDCA डीजल इंजन होने के कारण। साथ ही साथ अगर बात करें, यूजेबल रूफ रेल दिया हुआ है इस मॉडल में, आपको डुअल टोन मिलता है, ये देखिए कुछ इस तरह से। हम चलते हैं अंदर की तरफ, तो सबसे पहले मैं व्यू दिखाता हूँ, इधर से शुरू करते हैं। ये रहे सारे विंडोज़ के कंट्रोल, ये आपके मिरर के कंट्रोल, मिरर फोल्डिंग लॉक, और ये मिरर सेट करने के लिए। अब बात करते हैं हम इसके हेडलाइट्स की, ये यहाँ से सेटिंग है, इससे आप HID के थ्रो को अप एंड डाउन कर सकते हैं, साथ ही साथ ये आपकी लाइट को जो इल्यूमिनेटेड लाइट्स हैं जो कि यहाँ पे हैं, इस मीटर पे हैं, स्पीडोमीटर पे, जितनी भी लाइटें सारी विंडोज़ पे हैं, जितनी भी लाइटें हैं सब इससे कंट्रोल होगा, इससे आपका ग्लो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें अब हम, ये रहा इसका स्पीडोमीटर, कुछ पुश बटन प्रेस करने पे इस तरह से आता है। ये रहा इसका 8 इंच का सिंक 3 टच स्क्रीन, ये रहा AC के कंट्रोल, लेदर रैप गियर नॉब, ये रहा स्पीड लिमिटर एंड क्रूज कंट्रोल के साथ आता है टॉप मॉडल में, फोर्ड की बैजिंग, वॉइस कमांड, वॉइस कंट्रोल, अप एंड डाउन, इधर आप यूज़ करके आप इस स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, कुछ इस तरह से आता है। इसका जो रियर व्यू है, इधर से ये ऑटो दिया, इसके इलेक्ट्रोकॉमिक बोलते हैं, साथ ही साथ ये रहा इसका सनग्लास होल्डर, ये माइक दिया हुआ है, ये सनरूफ का कंट्रोल है, आप देखिए वन टच प्रेस है, साथ ही ये एंटी पिंच भी है। जो कि सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा है। अब हम बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, ये रहा इसका ग्लव बॉक्स टॉप मॉडल में, इसमें लाइट भी आता है, दो कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, ऑरेंज इंसर्ट जो कि आपको मिलता है एस मॉडल में, इधर इसका आर्मरेस्ट, बॉडी डीप है लेकिन ज़्यादा स्पेस नहीं। अब हम बात करते हैं इसका स्टेयरिंग जो कि है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, ये देखिए, ये हो गया आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, और ये हो गया लॉक। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, मैंने सीट को पूरा अपने हिसाब से पीछे किया हुआ, इससे ज़्यादा सीट पीछे नहीं जाएगा। तो सबसे पहले बाहर से व्यू दिखाते हैं, ये रहा इसका आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर, साथ ही साथ ये एडजस्टेबल है हेडरेस्ट। अगर मैं इस पे बैठूँ, सबसे ज़्यादा कंप्लेन लोगों की होती है पीछे में, भाई कॉम्पैक्ट SUV है, पीछे में जगह कम होगा, अगर आपको खुला डुला चाहिए तो आप नॉर्मल SUV लो, कॉम्पैक्ट पे क्यों आ रहे हो। ये देखिए, इससे ज़्यादा ये सीट पीछे नहीं आएगी, उसके बाद भी मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है,
ये देखिए आराम से स्पेशल। सबसे बड़ी बात इसका अंडर थाई सपोर्ट, देखिए अगर आप सोनेट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ये जो बेंच सीट है उसको यहाँ तक आता है, बस कोई अंडर थाई सपोर्ट नहीं, सारा उन्होंने स्पेस निकालने के लिए सीट को छोटा कर दिया, जो कि लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल है। ये रहा यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग, बोलते हैं यहाँ पे हैंडल नहीं है, इधर हैंडल नहीं है तो आपको ग्रैब करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ये रही पीछे की लाइट, इस सनरूफ को मैंने कवर कर दिया, ये इसका कुछ इस तरह से व्यू आता है पीछे से। और वो डैशबोर्ड पे आप टॉवल देख रहे होंगे, बिकॉज ऑफ ब्लैक डैशबोर्ड सनशाइन आती है, सनलाइट आती है तो सीधे आँखों पर रोशनी आती है, वो ना हो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग से ही वो टॉवल रख रखा है। मैंने भी किसी वीडियो में देखी थी, टॉवल रख लो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।